ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू करते हैं। ये कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ये आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 14,919 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,849। तो जैसे कि आप देख पा रहे, निफ्टी इंडेक्स ने 15,000 के लेवल्स को अचीव कर लिया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। शुरू में तो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता, गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिली थी, और जैसे ही यहाँ से टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ आया तो यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल के पास सपोर्ट टेस्ट करके जब फिर से बाउंस बैक हो रहा था, तभी फर्स्ट टारगेट 14,945, सेकंड टारगेट 14,968 ये भी यहाँ पर अचीव हुए। कई बार सपोर्ट टेस्ट कर रहा था और ऊपर की तरफ टारगेट लेवल के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो काफ़ी साइडवेज पैटर्न में निफ्टी इंडेक्स आज ट्रेड करते हुए दिखा और एक दोजी जैसा कैंडल यहाँ पर डेली चार्ट पर बनाया हुआ है, आगे देखेंगे हम। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 28 पॉइंट्स का यहाँ पर ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 21,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का रिव्यू। अभी मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन एक बार वीकली चार्ट को देख लेते हैं। वीक खत्म हुआ है तो वीकली चार्ट में क्या सीनारियो बन रहा है वो देखना जरूरी है। वीकली चार्ट में देखें तो यहाँ पर ये पीवट बार रिवर्सल पैटर्न बन चुका है, यानी प्रीवियस कैंडल के हाई लो क्लोज के ऊपर नेक्स्ट कैंडल का हाई लो और क्लोज बनाए, और नेक्स्ट कैंडल का जो क्लोज है वो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बनाए। तो ये वीकली चार्ट में बनाए, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में बनाए, तो 15,000 के ऊपर भी हमें आने वाले समय में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सपोर्टिंग इंडिकेटर RSI को देखें तो यहाँ पर RSI प्राइस एक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। कैसे, अगर प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पर हायर हाइज क्रिएट किए, लास्ट वीक के जो हाइज थे इसके ऊपर ये करंट वीक के हाइज बने, लेकिन RSI को देखें तो अभी भी यहाँ पर लोअर हाई क्रिएट हुआ है। जब प्राइस एक्शन में हायर हाइज बनते हैं तभी RSI में भी प्रीवियस हाई को ब्रेक करे, तो यहाँ पर हमें और भी सपोर्टिंग इंडिकेटर के तौर पर कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ पर और भी ज़बरदस्त अपसाइड मूव आ सकती है। अगर पास्ट में इस कैंडल को देखें, ये कैंडल वीकली चार्ट में, तो इसी कैंडल के वक्त RSI ने भी हायर हाईज क्रिएट किए थे, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया था, लेकिन इस बार RSI सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो थोड़ा डाउट होगा। 15,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, तो वहाँ पर हो सकता है रेजिस्टेंस फेस करे, और थोड़ा ट्रेंड लाइन के पास जो हमने डेली चार्ट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था यहाँ पर अगर सपोर्ट लेके फिर एक बार बाउंस बैक देखने को मिले, क्योंकि वी शेप रिकवरी है, कितने ज़्यादा टाइम टिक पाती है यह कहना मुश्किल है। 15,000 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी होगा। तो ये डेली और वीकली चार्ट का इस समय का सीनारियो है। डेली चार्ट में ये दोजी जैसा कैंडल बनाया है, ये ट्रेंड रिवर्सल के भी सिग्नल्स देता है। अगर यहाँ से एक बेरिश कैंडल क्रिएट होता है तो यहाँ पर इवनिंग स्टार दोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन यहाँ पर बन जाएगा, तो वो बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो कि यहाँ से हमें एक करेक्शन यहाँ पर दिखा सकता है 20 AMA तक। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सीनारियो है। चलते 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं एक क्रंची मार्केट, एक साइडवेज पैटर्न आर्ली चार्ट में क्लियरली दिखाई दे रहा है, ना हायर हाई बन रहा है ना लोअर लोस बन रहा है, एक साइडवेज पैटर्न है। तो आज का जो रेंज क्रिएट हुआ है उसको ब्रेक होने दीजिए कंफर्टेबली, यानी 15,014 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15,052, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,083, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा ये लेवल, जो कि आज का लोएस्ट क्लोजिंग लेवल है,
इसको मैं कलर कर देता हूँ, लिख देता हूँ ब्रेकडाउन लेवल। ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल हो जाएगा और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,850। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जहाँ पर इसने, ये देख सकते हो, पास्ट में रेजिस्टेंस फेस किया, हो सकता है अभी सपोर्ट टेस्ट करे। और सेकेंड टारगेट होगा 20 EMA के पास, जो कि 14,817 लेवल के पास है। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा मंडे के लिए। बैंक निफ्टी में क्या होगा, तो बैंक निफ्टी में अगर आज का आर्ली चार्ट देखें तो जो फर्स्ट आर का ये कैंडल बना था उसके बाद ये जो गेन था पूरा यहाँ पर ही खत्म हो चुका है। और जो लास्ट जो कैंडल दो बचे यहाँ पर इनसाइड बार फॉर्मेशन हुआ है, तो इनसाइड बार फॉर्मेशन का ये जो हाई पॉइंट है उसको अगर ब्रेक करता है निफ्टी, बैंक निफ्टी मंडे को, तो ये इंट्राडे के लिए हम तभी बाय पोजिशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 36,052। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 36,193। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और जो आज हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था वो हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा मंडे के लिए 35,419। ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 35,286। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 35,142। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है मंडे के लिए इंट्राडे लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।